नमस्कार दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करें, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। जय माँ दुर्गा, नवरात्रि के किसी भी दिन एक मुट्ठी नमक घर में इस जगह पर फेंक दें। पितृ दोष धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक महीने में बनोगे करोड़पति, फिर मत कहना बताया नहीं। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, नमक को डालते समय आपको कोई देखे ना दोस्तों। कई वर्षों के बाद जा करके ऐसा विशेष संयोग बना है। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृ दोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, शत प्रतिशत आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा, भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे, साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा, इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे, धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है? नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर ये दुनिया कायम है, अगर भरोसा नहीं ये दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर न जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपा कर बैठा है, अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है, वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। आप भी अपना जीवन अगर बदलना चाहते हैं तो यह उपाय जरूर करें। दोस्तों किसी भी दिन, चाहे सोमवार का दिन हो या रविवार का, यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं, 100 ग्राम उन्नत की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च एक पैकेट, टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल और पानी की बोतल, इन सभी सामग्रियों को एकत्रित कर लें। इससे आप किसी थैले में ले जाकर बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष को दान दे दें और चुपचाप अपने घर चले आएं और देखें चमत्कार। इससे आपका भाग्य उदय हो जाएगा, जो व्यापार में हो जाएगी। माता लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी चली जाएगी, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, भगवान शनि आपके ऊपर कृपा दृष्टि बरसाएंगे, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा, यहां तक कि आपका शुक्र भी मजबूत हो जाएगा। दोस्तों यह उपाय इतने सारे लाभ हासिल कर आता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चाहे आपके कितने ही पुराने गरीबी ही क्यों ना मात्र इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों ये उपाय मैं भी जरूर करता हूं और मुझे लाभ पूर्ण हासिल हुआ है। ये उपाय कभी किसी को बताकर ना करें, चुपचाप करें। जो हमने आपको सामग्री बताई है वो एक तरह की आपके लिए जनी बूटियां हैं। इनमें से कोई भी सामग्री में ना हो, सभी सामग्री पूरी होनी चाहिए। इससे आपका कभी अमंगल नहीं होगा। आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वह सफल हो जाएगा, कर्ज भी छू मंत्र गायब हो जाएगा। ये उपाय में जरूर आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखें। यह कार्य करने से मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ है, यह 100% सच है। दोस्तों
विदेशी लोग हाथों से नमक गिरने से अशुभ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधि माना जाता है। नमक को अगर आप किसी स्टील या लोहे के बर्तन में रखते हैं तो ये चंद्र और शनि का मिलन होगा, जो कि बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहाँ तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं, ये रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी प्लास्टिक के पात्र में भी भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को सदैव कांच के पात्र में ही रखना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। जब कोई व्यक्ति नमक और लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में रख देता है तो उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। चंद्र और शनि नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, मैं अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिति में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। नमक का गिरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। बुल्गारिया, जो यूक्रेन और रोमानिया जैसे देशों में इसे दुर्भाग्य और विवाद का सूचक माना जाता है, भारत में इसका गिरना बहुत ही माना गया है। नमक को गिराने से चंद्रमा और शुक्र दोनों कमजोर हो जाते हैं, जिसके कारण देवी लक्ष्मी भी साथ छोड़ देती हैं और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता। इसीलिए नमक की कदर करें दोस्तों, और उधार कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं नमक का हक अदा करना है, इसीलिए भी किसी का नमक उधार मांगकर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा आपके बुरे दिन शुरू हो सकते हैं। नमक सदैव धन देकर ही खरीदना चाहिए, इससे आपका चंद्र, और अगर आप गलती से भी किसी का नमक खाकर भूल गए हैं तब भी आपको शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। और शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि शाम के समय कभी किसी से नमक नहीं चाहिए और ना ही देना चाहिए। आप अपना नमक शाम के समय किसी और को दे देते हैं तो आपके की सुख समृद्धि ही चली जाती है, साथ ही साथ नमक लेने वाला भी बर्बाद हो जाता है। इसीलिए शाम के समय नमक नहीं लेना चाहिए दोस्तों। और नमक मिले पानी से पोंछा लगाने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है वह नष्ट हो जाती है। हफ्ते में 2-3 बार नमक मिले पानी से पोंछा जरूर लगाए, परंतु याद रहे नमक मिले पानी दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। दोपहर में जब कोई व्यक्ति घर की साफ सफाई करता है तब इससे घर में लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी वास हो जाता है। माता लक्ष्मी का वास उसी घर में होता है जिसे घर की साफ सफाई सुबह के समय होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सूर्य उदय होने से पहले घर का दरवाजा खोल लेना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और वह उसी घर में चली जाएगी जिसका दरवाजा सूर्योदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्योदय से पहले जब किसी का दरवाजा बंद होता है तब भला माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी? आपने तो के आने का मार्ग ही बंद कर दिया है। इसीलिए सवेरे सवेरे दरवाजा जरूर खोल दें और साफ सफाई कर ले। जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति, बुरी हवा, नजर दोष, इस उपाय को करने से 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। नमक का उपाय, थोड़ा सा डेली वाला नमक लें और थोड़ा सा आटा लें, सांप की संख्या में साबुत लाल मिर्च लिए, उसमें डंठल होना चाहिए, 1 टुकड़ा कोयला लें और थोड़ी सी हल्दी। अब इन सभी चीजों को कागज में लपेटकर उसकी नजर उतारी, नजर लग गई हो सर के ऊपर से 7 बार घुमाए चुपचाप, इसे अग्नि में जला दें। अग्नि आप किसी पात्र में घर में ही जलाए दोस्तों, आप यकीन नहीं 1 मिनट में सारी नजर उतर जाएगी। ये उपाय खुद हमारी माता जी हमारे ऊपर वर्षों से करती चली आ रही है, यह 100% कारगर सिद्ध होता है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी टूट जाता है, आप तो मामूली इंसान हैं। यह उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है। लाजमी है, जब आपके ऊपर नजर ही नहीं होगी तब आप कामयाबी की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका उतरना भी है जरूरी। दोस्तों, होते समय तकिए के नीचे नमक रखकर सोने से जितनी भी आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा होगी यह उसको अपने अंदर सोख लेता है और आप सुबह के समय एक आनंददायक जीवन को महसूस करते हैं। जब आप सोते समय तकिए के नीचे नमक रखें तो काले कपड़े में बांध कर रखें, फिर इसे संभाल कर रख दोस्तों। चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुभ माना जाता है। चाय में नमक डालकर पीने से आपके शरीर में कई घातक बीमारी बन पड़ती है, इससे आपका खून धीरे धीरे जलने लगता है, कम होने लगता है, आपकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चाय में नमक कभी ना डालें, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। खासकर शनिवार के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है।
इससे व्यक्ति के सभी नवग्रह शांत हो जाते हैं। शनि असीम कृपा इनके ऊपर बरसती है। शनिवार के दिन नमक का दान करना आपके लिए खजाने का मार्ग है। आप कभी भी धनी हो सकते हैं। शनिवार को नमक जरूर दान करें दोस्तों। भूलकर भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। इससे का शरीर नमक के साथ भूल सकता है। आपका खून सूख सकता है। आपको हृदय रोग बीमारी हो सकती है। शुगर की बीमारी हो सकती है। आपके पेट में पथरी हो सकती है। आप अपनी आंखों की रोशनी खो सकते हैं। ज्यादा खाने से आपकी हड्डियों का सुरमा बन सकता है। नमक ना कम ना ज्यादा, इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। बहुत ही अच्छा माना जाता है। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, जिससे कि आप आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।